हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बरसात के बाद बेला का प्लांट कितना ही घना हो गया है, तो इसमें फ्लावरिंग होना भी कम हो गई है। इस समय आप देख सकते हैं एक ही बर्ड्स है पूरे ही प्लांट में, तो इसमें फ्लावरिंग बहुत कम हो गई है। ये बरसात का मौसम है तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करेंगे तब इसमें नई नई ब्रांचेस आएंगी, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये जो प्लांट है इसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम होगी, तो जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं इनको हम हटा देते हैं, इनकी कटिंग कर देते हैं यहाँ से। इसी तरह से हमें सारी ब्रांचेस की कटिंग कर देनी है। अब बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में बेला फ्लावरिंग नहीं करता है, तो इस वजह से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर देनी है। ये देखिए इतनी सारी हमने कटिंग्स कर दी है। अगर आप चाहें तो इनकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। इस तरह से इतनी मोटी कटिंग ले लें आप, और कटिंग लेके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए हमने कटिंग्स लगाई है, ये हमारी अच्छे से ग्रो कर रही है कटिंग। तो आप भी इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं इनसे आप कटिंग ले सकते हैं, और आप इन्हें इनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इस तरह की जो बिल्कुल ग्रीन और लंबी सी, इनको आप बिल्कुल ही हटा दें, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेती रहती है प्लांट से, तो इनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। और ये जो क्यारी है इसमें अब हम दूसरा प्लांट लगा देंगे। इस तरह से ये जगह जो मिली है इसमें हम दूसरे प्लांट लगा देंगे। जब प्लांट घना हो जाए और उसमें फ्लावरिंग होना कम हो जाए तो उसकी कटिंग कर देनी चाहिए। कटिंग करने से ब्रांचेस ज़्यादा आती हैं और ज़्यादा ही बर्ड्स आती हैं, तो प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो जब ज़्यादा बड़ा प्लांट हो जाए तो उसे हमें कटिंग कर देनी चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।